अमृता फडणवीस रिश्वत मामला। डिजाइनर अनुष्का जयसिंघानी ने दावा किया कि उनके पिता शरद पवार उद्धव ठाकरे के संपर्क में थे। मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया। डिजाइनर अनुष्का जयसिंघानी ने दावा किया कि उनके पिता शरद पवार उद्धव ठाकरे के संपर्क में थे। मुंबई पुलिस ने अदालत को बताया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को डिजाइनर अनुष्का जयसिंघानी ने अपने एक संदेश में कहा था कि उनके पिता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के साथ लगातार संपर्क में रहते थे। पुलिस ने सोमवार को मुंबई की एक अदालत को बताया। पुलिस ने अदालत में ये भी गवाही दी कि साजिश में विभिन्न राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना के कारण आगे की जांच आवश्यक थी। अभियोजन पक्ष द्वारा यह दावा अनुष्का की जमानत के विरोध में किया गया था, जिसे कथित रूप से अमृता फडणवीस को एक आपराधिक मामले में शामिल होने के बदले रिश्वत की पेशकश करने और उनसे 10 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में पकड़ा गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी अलमाले ने सोमवार को अनुष्का जयसिंघानी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अमृता फडणवीस द्वारा 20 फरवरी को दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें 16 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी के अनुसार अनुष्का पिछले 16 महीनों से अमृता के संपर्क में थी और उसके घर भी जाती थी। अमृता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि वह पहली बार नवंबर 2021 में अनुष्का से मिली थी। पुलिस ने कहा कि अनुष्का ने दावा किया कि वह कपड़े, आभूषण और जूते की एक डिजाइनर थी और उसने भाजपा नेता की पत्नी से सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्हें पहनने का अनुरोध किया, जिससे उन्हें उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद अनुष्का ने उसे कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी देने की पेशकश की, जिसके माध्यम से उसने दावा किया कि वे पैसे कमा सकते हैं। पुलिस ने कहा था कि उसने अपने पिता अनिल जयसिंघानी को पुलिस मामले में फंसाने के लिए अमृता को सीधे 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। अमृता फडणवीस ने पुलिस को यह भी बताया कि वह अनुष्का के व्यवहार से परेशान थी और उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, वॉइस नोट्स और कई संदेश भेजे। पुलिस ने कहा था कि उसके और उसके पिता ने अमृता के खिलाफ परोक्ष रूप से धमकी दी और साजिश रची। विशेष लोक अभियोजक अजय मिश्र ने सोमवार को जमानत का विरोध करते हुए डिप्टी सीएम की पत्नी को आरोपी द्वारा भेजे गए कुछ संदेशों का हवाला दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक संदेश में अनुष्का ने कहा, तुम मेरे पिता को नहीं जानते, मेरे पिता अमुक अमुक से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता नियमित रूप से शरद पवार और उद्धव के संपर्क में हैं, ठाकरे वे उन्हें वीडियो देंगे। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह एक सुनियोजित गहरी साजिश थी और अनुष्का ने उच्च सुरक्षा वाले स्थान पर एक वीडियो लेने की हिम्मत की थी। अभियोजन पक्ष ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इन सभी पहलुओं की जांच की जरूरत है। यदि अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो वह जांच में बाधा डालेगी और वादी यानी कि अमृता फडणवीस को फिर से धमकी देगी या उक्त अपराध के संबंध में समाचार चैनलों, मास मीडिया या सोशल मीडिया पर जाएगी। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी वादी या उसके पति देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करेगा। अभियोजन पक्ष ने कहा कि जमानत दिए जाने पर आरोपी के फरार होने का भी खतरा है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील मृगेंद्र सिंह और मनन संघई ने तर्क दिया है कि अनुष्का के खिलाफ एकमात्र आरोप पैसे की मांग है।